इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दो रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। एक रात और एक दिन के अंदर मोदी साहब की एक नहीं बल्कि कई मुलाकातें हो चुकी हैं बाइडेन साहब के साथ, लेकिन पता ये चला है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ नहीं हो रही, ये बताया है मुनीर अकरम साहब ने। उन्होंने क्या टाइम नहीं दिया प्रेसिडेंट बाइडेन ने, क्या हुआ? मैं शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं, आई विश के आई वाज एबल टू शेयर थिंग्स विद यू। हर चीज वो कहते हैं उर्दू में तरक्की और माकूस, नीचे से नीचे हम जा रहे हैं, लम्हा फिक्रिया अल्लाह जाने कौन इसको ठीक करेगा। मोदी का और शहबाज शरीफ का मुकाबला कोई नहीं, मोदी से मुझे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इंडियन कौम का नुमाइंदा है क्योंकि वो वहाँ की कौम ने उसे इलेक्ट किया है। अमेरिका ने आज तो अपने बड़े बड़े स्टेटमेंट के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो वेलकम हुआ है मोदी साहब का अमेरिका के अंदर, दैट इज अनबिलीवेबल। उनकी मुलाकात दूसरे क्वाड लीडर्स, जापान के आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर किशिडा के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं, और अल्बानीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे भी यहाँ पे क्वाड की समिट हो रही है। क्योंकि मैं आई एम वाचिंग इट, और मैं बिलखसूस देख रहा था कि जिस तरीके से भारतीय डायस्पोरा कितना ऑर्गेनाइज्ड है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पहुंचे हैं तो उनको पुलिस के प्रोटोकॉल के साथ ले जाया गया, ये क्या हुआ है? पाकिस्तान का जोकर शहबाज शरीफ जो यहाँ का वजीर आजम है वो तो फॉर्म 47 के ऊपर बना हुआ है, उसकी क्या इज्जत होगी और उसे क्यों जो है वो अमेरिका वेलकम कहेगा? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों इस समय पाकिस्तानी मीडिया में काफी हलचल मची है, उसकी बड़ी वजह यह है कि इस समय अमेरिका के अंदर भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहुंचे हैं और वहां पे जिस तरह से उनका न सिर्फ स्वागत हुआ है बल्कि जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात और कई बड़े लीडर से हुई है। तो वहीं पे जो खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो बाइडेन से कोई मीटिंग नहीं रखी गई है, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की मुलाकात जो बाइडेन से चलते फिरते या कहीं नाश्ते के टेबल पे हो जाए जब वो यूएन जनरल असेंबली के अंदर अपना भाषण देने पहुँचेंगे। क्योंकि इस दौरान अभी अमेरिका के अंदर यूएनजीए की मीटिंग हो रही है जहाँ पे दुनिया के लगभग सभी बड़े देश जमा हो रहे हैं और वहाँ पे अपने अपने भाषण देंगे। तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया की जलकर काफ़ी राख हो रही है क्योंकि जिस तरह से मोदी जी की जो वार्म वेलकम जो स्वागत किया जाता है न सिर्फ उन देशों के अंदर जहाँ पे जाते हैं मोदी जी रह रहे भारतीयों के द्वारा, बल्कि उन देशों के हेड जिस तरह से मोदी जी का स्वागत करते हैं वो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया के लिए किसी सपने से कम नहीं है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। हर तरफ चर्चा है कि ये दिल्ली टू डेलावेयर क्या है, वो कौन सी ट्रेन है जो गिफ्ट के तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन को दी गई है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो वेलकम अमेरिकन इंडियंस ने यहाँ पर कर दिया है वो तारीख में लिखा जाएगा। और प्रेसिडेंट बाइडेन मोदी साहब को लेने के लिए अपने घर से निकलकर उनकी गाड़ी तक पहुँचे और उनको लेकर सीधा अपने घर चले गए। लेकिन इसी के साथ एक और खबर है, और खबर ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अमरीका आने से पहले दो दिन एज यूजल लंडन में गुजारेंगे, और वो जब लंडन पहुंचे हैं तो उनको पुलिस के प्रोटोकॉल के साथ ले जाया गया, ये क्या हुआ है? और प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ये बताया है मुनीर अकरम साहब ने। जबकि चंद घंटों के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक नहीं कई मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। अब जैसे ही मोदी साहब उतरते हैं, लैंड करते हैं फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर, तो जो यहाँ पर मौजूद बड़ी तादाद है अमेरिकन इंडियंस की वो तो टूट पड़े एयरपोर्ट पर। हर कोई ये चाहता था कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, यानी अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीर बनवाए, सेल्फियाँ ले लेकर लोग पागल हो गए भाई। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर जब वो पहुँचते हैं तो एयरपोर्ट पर गरबा पेश किया जाता है और वहाँ पर उनका म्यूजिक चलता है। फिर इसी के साथ वो एयरपोर्ट से जब अपने होटल पहुँचते हैं, अच्छा फिर वो जब
वहां से चलते हैं और वो पहुंचते हैं प्रेसिडेंट बाइडन से मिलने के लिए, तो वो अभी बाहर गाड़ी में मौजूद होते हैं। तो जो बाइडन होते हैं वो अपने घर से निकलकर जाकर मोदी साहब की गाड़ी के पास उनको रिसीव करते हैं, उनको वेलकम करके घर के अंदर लेकर जाते हैं। फिर जनाब वहां पे चाय पी जाती है, उसकी तस्वीरें चल रही हैं। फिर उसके अलावा जो फुमियो किशिदा और जापान के प्राइम मिनिस्टर और ये वहां पर एंथनी ब्लिंकन भी मौजूद थे और भी कुछ स्टेट अथॉरिटीज वहां पर मौजूद थी जिनके साथ मुलाकातें होती हैं और डिक्लेरेशन आता है सामने। क्वाड समिट का जो डिक्लेरेशन है उसमें कहा गया है, द फोर मेंबर क्वाड इज ए फोर्स फॉर गुड एंड इज मोर स्ट्रेटेजिकली अलाइंड देन एवर बिफोर, ए ज्वाइंट डिक्लेरेशन इशूड। इसमें हमने देखा कि जब वो तस्वीर उतरवाने के लिए भी आए तो बाइडन और मोदी जो हैं वो साथ साथ खड़े नजर आए और बाकी जो दो लीडर्स हैं वो उन दोनों के साथ साइडों पर नजर आए हैं। तो मोदी बाइडन बीच में लाइमलाइट में रहे, यानी मोदी साहब इधर उधर नहीं होते, पतली गली से वो इधर उधर नहीं हो जाते, ना ही कोई उनको इधर उधर कर पाता है पतली गली से, बल्कि वो अपना फोकस रखते हैं और वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, हमने देखा है। फिर प्रेसिडेंट बाइडन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच बायलैटरल टॉक्स जो हैं, लॉन्ग टाइम होम उनका जो डिलीवर में है वहां पर हुई। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो वेलकम हुआ है मोदी साहब का अमेरिका के अंदर, दैट इज अनबिलीवेबल। आपको जरा ये देखिएगा कि लोग जो हैं वो किस तरीके से उतावले हुए पड़ रहे थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि एक रात और एक दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर मोदी साहब की एक नहीं बल्कि कई एक मीटिंग्स और मुलाकातें हो चुकी हैं बाइडन साहब के साथ। लेकिन पता ये चला है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब पहुंचेंगे अमेरिका तो उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट बाइडन के साथ नहीं हो रही। ये मुनीर अकरम ने बताया है, जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उन्होंने क्या टाइम नहीं दिया प्रेसिडेंट बाइडन ने, क्या हुआ? अब आप ये भी तो देखिए ना, इससे पता चलता है ना कि एक तरफ एक कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर को वो प्रेसिडेंट बाइडन अपने घर से बाहर निकलकर उनकी गाड़ी के पास आकर उनको गाड़ी से निकालकर अपने घर के अंदर लेकर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान के उनको टाइम ही नहीं दे रहे मिलने के लिए। क्योंकि मैं आई एम वाचिंग इट और मैं बिलखसूस देख रहा था कि जिस तरीके से भारतीय डायस्पोरा कितना ऑर्गेनाइज्ड है, बसों के इंतजाम किए गए, $40 टिकट था न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से वापस आना, सब्सिडाइज्ड बसों के टिकट थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस तरीके से ईमेल ने और सारा वो कर रहे थे, वर्सेस मेरे कई दोस्त हैं जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब को मिलेंगे भी और ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 150 लोगों का न्यूयॉर्क के अंदर एक डायस्पोरा के लिए एक इवेंट किया जा रहा है जिसमें शहबाज शरीफ साहब स्पीच देंगे, और आप सोच नहीं सकते कि how difficult it is to find the Pakistani diaspora to sit in front of him. मैं शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं, I wish कि I was able to share things with you. दूसरा तार साहब, पाकिस्तान के वजीरे खारजा यूनाइटेड नेशंस में नहीं आ रहे, मतलब ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है, क्या कहेंगे तार साहब? ये तो बड़ी हैपनिंग हो रही है न्यूयॉर्क एंड वॉशिंगटन में। ठीक है, इंडिया बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी है, उनके वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, हम चाइना देंगे क्या? आप दुनिया को क्या ऑफर कर सकते हैं? कोई एक प्रोडक्ट मुझे बता दे जिहाद किया, अपनी कौम का नजराना पेश किया, खून दिया, माल दिया, तो जो पैसे लिए 150 बिलियन आपका जो पुराना बार वो किधर से आ गया है?